सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। पिछली क्लास में हमने किया था, क्या किया था हमने, साउंड किया था। नाइन्थ क्लास के लिए हम पढ़ाएंगे साउंड। कौन कौन बच्चे स्टूडेंट इस लेक्चर को देख सकते हैं। सेम आपका रिपीट होता है इलेवेंथ क्लास में, तो आप डेफिनेटली इलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट, तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको देख सकते हैं। टेंथ वाले बच्चे अपना टेंथ नाइन्थ को रिवाइज करने के लिए इसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। है क्या साउंड? बेसिकली साउंड पिछली क्लास में हमने देखा था, वेव है। वेव है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव देखा थे। देखते हैं कौन कौन ऑनलाइन है। चरण सिंह जांगू, हाय चरण, हाउ आर यू? ठीक है। परभानु भारद्वाज, हाय परभानु, हाउ आर यू, कैसे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कुछ ढंग का काम कर लेते हैं, पढ़ा लिख लिया जाए। पीरियोडिक मोशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी मोशन इस में पढ़ेंगे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है जो आपका रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट होता रहता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जो आपका ऑसिलेशन टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन मोशन जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इंट्रोडक्शन टू वेव मोशन ये भी हम कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन भी हम कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव मोशन भी हम कर चुके हैं। अलग अलग तरह की वेव थी हमारे पास, अलग अलग तरह, कौन सी मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रिपल, ये सब, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप पिछला सेशन जाके देख सकते हैं। टर्म्स यूज्ड फॉर डिफाइनिंग वेव मोशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, वेव वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब हम कर चुके हैं। और हमने लास्ट में एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल आज देख लेंगे। ओके, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड आज करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड भी करेंगे, रिफ्लेक्शन, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में बात करेंगे, अल्ट्रासाउंड, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, सोनिक बूम और ह्यूमन ईयर के बारे में भी आज कोशिश करेंगे कि आज करके इसको खत्म करें। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं, फिर इसको फटाफट खत्म कर लेंगे। ओके, पीरियडिक मोशन क्या है? बॉडी रिपीट इट्स मोशन कंटिन्यूअसली, रिपीट्स इट्स मोशन कंटिन्यूअसली ऑन अ डेफिनेट पाथ। क्या है, कहां पे रिपीट करिए? डेफिनेट पाथ एंड डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, देन इस मोशन इज नोन एज ए पीरियोडिक मोशन। ओके सर, आपका टेलीग्राम आईडी क्या है? मेरा टेलीग्राम आईडी क्या है? मेरा टेलीग्राम आईडी ले लो। माय टेलीग्राम आईडी इज रवि ABC, तो आप यहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को टाइम के लिए डाउट है वो समझ लें कि मैं यहां पे डेली क्लास लूंगा, डेली 1 to 2 एंड 2 to 3, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल सेटिंग एंड ऑल। हर चीज हमारे लिए थोड़ा नया है, आप लोग के लिए भी नया है, हम सीख रहे हैं, आप भी सीखते रहिए, सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1 to 2 में आपका लूंगा 11th और 12th का क्लास, 2 to 3 में आपको लूंगा 9th या 10th का क्लास। अब मैं 11th कब लूंगा और 12th कब लूंगा, 9th कब लूंगा और 10th कब लूंगा, ये समझिए। मैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन 3 दिनों पे लूंगा आपकी 12th एंड 10th की क्लास। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे यहां पे मैं आपकी लूंगा 11th एंड 9th की क्लास। इज दैट ओके? इज दैट फाइन? थैंक यू परमानु, मोस्ट वेलकम माय डियर। ठीक है, इन दिनों में आपकी क्लास लूंगा। अब एक एक दिन का इंटरवल क्यों रखा गया है? एक एक दिन का इंटरवल इसलिए रखा गया है ताकि आप रिवाइज कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें, रिवाइज कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। अब रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिएंगे नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट करो, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम आपको स्टडी मटेरियल भेजने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लॉकडाउन अब तक 14 तक है ही है, अगले 5 दिन, उससे आगे भी ये लगभग 15 दिन से लेके 20 दिन और एक इवन 1 महीने तक बढ़ सकता है, तो उस दौरान आप बुक नहीं खरीद पाएंगे। तो जो भी आपको बुक्स चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, तो वो हम ई बुक की फॉर्म में आपको भेजते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आगे बढ़े। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन जो मोशन होता है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक
ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इफ अ बॉडी इज इन पीरियोडिक मोशन मूव्स अलोंग द सेम पाथ टू एंड फ्रो अबाउट डेफिनेट पॉइंट देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। डेफिनेटली टेलीग्राम पे नोट्स भेज सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नोट डाउन व्हाट्सएप नंबर, उस ग्रुप में हम आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, 9029025225 यहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डोंट कॉल, डोंट मैसेज अननेसेसरली, आप एक ही मैसेज कीजिए कि प्लीज ऐड मी इनटू द ग्रुप। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप बताते रहिए, आपको कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल हम भेजते रहेंगे। ओके, एनी कंफ्यूजन, आगे बढ़े। इट इज टू बी नोटेड दैट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता बट हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक जरूर होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू वेव मोशन, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं भाई। What is the introduction to the wave motion? Let me see. There is some problem. I am not getting your comments. चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू वेव मोशन पिछले क्लास में कर चुके हैं, फटाफट एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, ओके, वेव मोशन क्या है? द मोमेंट ऑफ ए डिस्टरबेंस। तो वेव जब भी आपके सामने आए तो वेव क्या होती है? वेव इज अ डिस्टरबेंस इन द मीडियम। जहां पे भी वेव होगी डिस्टरबेंस पक्का होगी। क्यों है डिस्टरबेंस चाहिए? टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, करेक्ट। द मोमेंट ऑफ अ डिस्टरबेंस, मोमेंट ऑफ अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या करती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट नॉट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। तीन चीजें आपको याद रखनी है कि जहां पे भी वेव होगी, जहां पे भी वेव होगी वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी, वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी। क्या करेगी? एनर्जी ट्रांसफर करेगी, डिस्टरबेंस करेगी और उसके बाद आपकी मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगी। एग्जाम्पल है उसके फॉर्मेशन ऑफ रिपल्स इन द वॉटर, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर एंड एनी अदर मेटेरियल मीडियम। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। द वेव मोशन पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। क्या है? डिस्टरबेंस तो वाइब्रेट होगी बिकॉज ये तो डिस्टरबेंस अबाउट देयर मीन पोजिशन। The particles of the medium do not move. Particle move नहीं होते, बस वो vibrate करते हैं. Vibrate करते हैं तो energy transfer करते हैं from one place to another. समझ में आए बात? Okay, चलिए बात करते हैं. A wave motion travel at the same speed in all the direction in all given medium. The speed of the wave depends upon the nature of the medium through which it travels. Hi Kirti, how are you? Welcome to the class. A wave motion travels at the same speed in all direction in a given medium. अगर medium change हुआ तो आपकी speed भी change होगी, ठीक है? On the nature of the medium, तो depends on nature of the medium. कि ये भाई vacuum है, या ये solid medium है, या ये liquid medium है, उसके ऊपर depend करेगी. During the wave motion, energy is transferred from one point of the medium to another. Definitely जो अभी आप मुझे सुन रहे हो, ये sound मैं यहाँ पे produce कर रहा हूँ, and it is basically getting transmitted from one place to another. Is that okay? ये हम कर चुके हैं, right? टाइप्स ऑफ वेव में हमने देखा था मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल का दूसरा नाम था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है बताओ फटाफट? मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव होती है द वेव इन विच द प्रोपेगेट ओनली इन द मटेरियल मीडियम। जिनको चलने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम। इनका दूसरा नाम क्या है? इलास्टिक।
और मैकेनिकल वेव, इज दैट ओके? तो मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम क्या है? इलास्टिक वेव या फिर मैकेनिकल वेव, ठीक है? एग्जांपल क्या क्या हो गए? साउंड वेव हो गया, वाटर वेव्स हो गया, वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग हो गई, अर्थक्वेक वेव होगी, शॉक वेव होगी, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, मैकेनिकल वेव्स हो गई, ये सब आपकी मैकेनिकल वेव्स है। मेनली हम आज के चैप्टर में साउंड के बारे में बात करेंगे, तो यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट साउंड। दूसरी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर नॉन मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करेंगे, विच डू नॉट रिक्वायर, क्या है जिनको चाहिए ही नहीं एनी मेटेरियल मीडियम, ठीक है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल क्या होगा? लाइट वेव, रेडियो वेव, टेलीविजन वेव, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ m/s, 3 × 10⁸ m/s इनकी स्पीड होती है, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इनके पीछे डिफरेंस, सारे नोट्स में तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ, और भी कुछ कमी रह जाए तो बता देना। मैकेनिकल वेव वो होती है, देखो परमाणु, तुमको चलना आता हुआ, चलना आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो तुम चल सकते हो ग्राउंड पे, बट क्या तुम हवा में चल सकते हो या मान लो पानी पे चल सकते हो? नहीं चल सकते ना। उसी तरीके से मैकेनिकल वेव वो होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ये वैक्यूम में नहीं चल सकती है। जैसे तुम पानी में नहीं चल सकते हो, हवा में नहीं चल सकते हो, उसी तरीके से ये वैक्यूम में नहीं चल सकती है। तुम्हें चलने के लिए ग्राउंड चाहिए होता है, इनको चलने के लिए मेटेरियल मीडियम चाहिए होता है। आई वाज समझ में, आई होप इट कुड मेक सम सेंस। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, दीज वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम के अंदर से ट्रैवल नहीं कर सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, दीज वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, इनफैक्ट वो सबसे फेवरेट मीडियम आपका होता है। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव आर लो एंड डिपेंडेंट। अब जैसे साउंड की अगर बात करेंगे तो कितना होता है? 340 m/s होता है हवा में, जबकि इनका कितना होता है? 3 × 10⁸ m/s, 300,000 km/s की स्पीड होती है, विच इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टूड, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वाइब्रेशन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, डू नॉट ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स मे बी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमेशा आपकी ट्रांसवर्स होती है। कमाल की बात यह है, यहाँ पे आप साउंड पढ़ रहे हो जो कि वेव से रिलेटेड है, 10th में आप पढ़ोगे लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, ये सब वेव से रिलेटेड है। 11th में आप पढ़ोगे वेव्स एंड ऑसिलेशन, आपके वेव से रिलेटेड है। 12th में आप पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, आपके वेव से रिलेटेड। तो बहुत बड़ा पार्ट है आपका जो वेव से रिलेटेड है, इसलिए आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, मैकेनिकल वेव है, बाकी लाइट वेव, रेडियो वेव, टीवी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकती है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जिसमें वेव तो जाती है ऐसे, पार्टिकल जाता है या तो ऐसे या फिर ऐसे, मतलब वेव्स के साथ वो 90° का एंगल बनाता है, या तो क्रेस्ट की फॉर्म में या ट्रफ की फॉर्म में। दिखती कैसी है? दिखती है ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो ये मीन पोजिशन के साथ कितना एंगल बना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। पिछली क्लास में बताया था, नहीं अगर समझ में आए तो पिछली क्लास जाके देख लेना एक बार। ट्री इसको बोलते हैं ट्रफ, यहाँ पे जाके फिर से 90° का एंगल बनाता है। तो हमेशा पार्टिकल का कितना एंगल बना रहा है? 90° का एंगल बना रहा है आपका, किसके साथ? मीन पोजिशन के साथ। ठीक है, ये उनकी प्रॉपर्टीज है। नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट नोट्स, ठीक है। जस्ट पूछते रहना, कीप एडिंग योरसेल्फ इन द ग्रुप 9029025225, ओके। क्रेस्ट की बात करें, क्रेस्ट क्या होती है? मीन पोजीशन से ऊपर वाली। ट्रफ क्या होती है? मीन पोजीशन से नीचे होती है, 90° के एंगल बनाते हैं, ओके। longitudinal wave क्या होती है? longitudinal wave होते हैं a wave in which the particle of the medium oscillate या vibrate to and fro। अगर wave ऐसे जा रही है तो particle भी ऐसे ही जाएगा, but ये दो चीजें बनाती है। एक main चीज जो आपको याद रखनी है, एक होता है compression। compression क्या होते हैं? जहां पे pressure होता है ज्यादा। एक होता है rarefaction। rarefaction क्या होता है? जहां पे pressure होता है कम, ओके। Example, sound waves are longitudinal waves. The waves produced in the spring, slinky, are by compressing a small portion of the releasing longitudinal wave. ये होती हैं यहाँ पे compression बोलते हैं, reflection बोलते हैं।
जहां पे लाइन पास पास दिख रही है वो कंप्रेशन है, जहां पे लाइन आपको दूर दूर दिख रही है वो आपकी रिफ्लेक्शन कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होते हैं, देखिए द पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज हायर देन द नॉर्मल डेंसिटी, और इसमें क्या होती है लेसर देन द नॉर्मल डेंसिटी, रिफ्लेक्शन में लेसर देन द नॉर्मल डेंसिटी होती है, करेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बीच का डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। ट्रांसवर्स वेव की बात करें, इन द ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, मींस अगर वेव ऐसे जा रही है तो पार्टिकल आपके ऐसे जाएंगे या फिर ऐसे जाएंगे, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में अगर वेव ऐसे जा रही है तो पार्टिकल भी ऐसे ही जाएंगे। इज दैट ओके? इसलिए इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ वाइज या फिर इन स्ट्रेट लाइन, जबकि ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है एक ऊपर या फिर नीचे। इज दैट फाइन? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई आपके लिए। कहां कहां जा सकते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस में जा सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव कहां कहां जा सकते हैं, कैन गो थ्रू सॉलिड एंड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड बट नॉट थ्रू द गैसेस। कहां कहां जा सकती हैं, सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, कहां कहां हो सकती हैं, सॉलिड में हो सकते हैं एंड ऑन द सरफेस इज दैट ओके। Longitudinal waves consist of compression and rarefaction. Transverse waves consist of crest and trough. Correct? Terms used for the defining wavelength हमने define किया था, amplitude किया था, time period, frequency, wavelength, phase, ये सब हमने किए थे and ये हमने formula derive किया था, velocity is equal to frequency into lambda. इसके ऊपर आज हम कुछ question करेंगे। चलिए पहला question आपके सामने है। If 50 waves are produced in 2 seconds, frequency क्या होती है? Frequency की definition क्या है? Number of waves per unit time. ठीक है, what is the frequency? So frequency क्या होती है? Number of waves divided by time. That will be equal to 25 hertz. 25 hertz. Is that okay? आगे बात करते हैं। A source produces 50 crest and 50 trough. इसका मतलब क्या हो गई? 50 wave हो गई। 50 crest और 50 trough मिला के ही तो 50 wave बनाती हैं। हाँ या ना? In 0.5 second, find the frequency. So definitely 50 divided by 0.5 will give you 100 hertz as the frequency. आई बात समझ में या नहीं आई? किस किस को नहीं आई? A sound wave travels with the speed of 330 meter per second velocity दे दी. Wavelength of sound whose frequency is ये आपको new frequency दे दी. तो आपको पता है velocity is equal to frequency into lambda, तो lambda अगर आपको निकालना है तो velocity by frequency, तो यहाँ पे देख लेते हैं 330 divided by 550, that will be equal to 3 by 5 will be giving you 0.6 meter, कोई दिक्कत इस बात में? Next question देख लेते हैं एक बार। Given data की तरफ ध्यान दो, given data वो बहुत important होता है, अगर वो आपने पकड़ लिया तो question तो कोई भी बन जाएगा, ठीक है? पकड़ना सीखो, एनालिसिस सीखो। The wavelength of a sound emitted by source is 1.7 into 10 power minus 2 meter. Calculate the frequency of the sound if its velocity is 343.4 meter per second. Okay? तो यहाँ पे velocity आपको दे रखी है, क्या दे रखी है? 343.4, frequency आपसे पूछ रखी है, lambda है आपकी 1.7 into 10 power minus 2 meter. तो अब देखो, velocity is equal to frequency into lambda, तो frequency क्या होगी? Velocity by lambda, the velocity by wavelength. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 343.4 है डिवाइडेड बाय 1.7 इनटू 10 पावर माइनस 2 विल गिव यू आंसर एज 2.02 इनटू 10 पावर 4 हर्ट्ज। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कंफ्यूजन? A wave pulse on a string moves a distance of 8 meter in 0.05 second. Calculate the velocity. Velocity क्या होती है? Displacement by time taken या फिर distance by time taken. Distance by time taken है तो 160 meter per second तक की velocity होगी. What would be the wavelength of the wave on the same string if its frequency is 200 hertz? If its frequency is 200 hertz. Wavelength क्या है? Lambda, velocity by frequency 160 by 200. That is equal to 0.8 meter. Thus, the wavelength of the wave कितनी होगी? 0.8 meter.
फिर से बता दीजिए क्या बताना है, ये बताओ मुझे, ये बता करो क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में तो कुछ है ही नहीं, एक ही फॉर्मूला यूज हुआ तुम्हारा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। निकालना क्या है आपको, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या हो जाएगी वेलोसिटी बाय लैम्डा। वेलोसिटी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.4 डिवाइड बाय लैम्डा आपको दे रखा है, कितना 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, बस इतनी बात थी, इसमें और तो कुछ था ही नहीं नया। आया समझ में? हमने पिछली क्लास में रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी भी की थी, रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी कहां से कहां तक लाइक करती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये आपको याद भी रखना है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अ पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज, हियरिंग रेंज कहां से कहां तक है भाई, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके वेरी गुड प्रभानु, वेरी नाइस। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स ऑन द एयर कंप्रेसिंग, आपको स्पीड दे दी, ठीक है स्पीड दे दी, तो यहाँ पे 20 हर्ट्ज के लिए आपकी वेवलेंथ अलग होगी, 20,000 हर्ट्ज के लिए आपकी वेवलेंथ अलग होगी। तो देखो लैम्डा 1 निकाल लेते हैं, लैम्डा 1 किसके बराबर होगा, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 340 डिवाइड बाय 20 विल गिव यू 17 मीटर, कितना हो जाएगा 17 मीटर, लैम्डा 1 था ये। लैम्डा 2, मोहित मोहित हाय हेलो कैसे हो मोहित, लैम्डा 2 किसके बराबर होगा, 340 डिवाइड बाय 20,000 by 20,000 that will be equal to 1.7 into 10 power minus 2 meter will give you 1.7 centimeter will give you 1.7 centimeter। आई बात समझ में? चलिए एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, अगर आप इसको देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं देख पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं तो क्लास अटेंड करने की कोशिश कीजिए, डोंट बी एब्सेंट इन द क्लास। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ ट्विस्ट स्प्रिंग। चलो बहुत अच्छी बात है, द वेव ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 30 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ द स्प्रिंग। मतलब वेवलेंथ पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, वेवलेंथ पूछ रखा है, राइट right? तो चलिए बात करते हैं, तो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये है 20 हर्ट्ज हैं, करेक्ट। तो यहां पे अगर आपको लैम्डा निकालना है जो कि वेवलेंथ है, बिकॉज दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ का डेफिनेशन भी हमने देखा था, क्या था वेवलेंथ का डेफिनेशन, वेवलेंथ था द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, राइट। तो यहां से लैम्डा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी 30 डिवाइड बाय 20 दैट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते तो भी कर सकते थे, तो भी आपको ये आंसर आ जाता, मीटर में आ जाता। ओके चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की क्या बोल रहा है, the wave of frequency 200 hertz produced a spring in the given figure, find out the following। पहली बात तो amplitude बताना, क्या भाई amplitude क्या होता है, maximum displacement from the mean position, तो amplitude आ गया आपको यहाँ पे, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। दूसरा पूछ रहा है कि wavelength क्या है, wavelength कितनी है आपकी, wavelength यहाँ पे दे रखी है तो ये होगी 40 सेंटीमीटर भाई। wave velocity क्या होती है, wave velocity क्या होती है, wave velocity is equal to basically lambda into frequency, लैम्डा आपकी किसके बराबर है, लैम्डा आपको पता है दैट इज 40 इनटू फ्रीक्वेंसी आपकी किसके बराबर है 200 हर्ट्ज, तो वेव वेलोसिटी किसके बराबर हो गई, दैट विल बी इक्वल टू 8000 सेंटीमीटर पर सेकंड, और अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल बी गेटिंग इट एज 100 मीटर पर 80 मीटर पर सेकंड। सो नई बात, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल 44.1 मीटर डीप,
ओके डेप्थ बता दिया, द साउंड ऑफ स्प्लैश इज हर्ड 3.13 सेकंड आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड। टाइम भी दे दिया, डिस्टेंस भी दे दिया, वेलोसिटी निकाल सकते हो, बट एक बात समझने की ये है कि वो जाके और आएगा, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर, ठीक है। चलो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s आपको दे रखा है, u आपकी 0 है, g आपका 9.8 है, 44.1 यहां से आपको टाइम लग गया 3 सेकंड, टाइम 2 मतलब जाने में ही 3 सेकंड में लग गया ना, नीचे तक टच होने में ही, तो वापस ऊपर आने में कितना टाइम लगा, 0.13 सेकंड। तो स्पीड ऑफ द साउंड अगर आपको निकालना है तो वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, दैट विल बी इक्वल टू 44.1 डिवाइड बाय 0.13 विल गिव यू 339.2 मीटर पर सेकंड। बात आई समझ में कि नहीं आई, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड अबाउट इट। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, सब कुछ समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम काफी कर चुके हैं, राइट। हाय रेखा, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स, जिसकी वजह से अपने को क्या सुनाई देता है। रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी क्या, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये मैं आपको बता चुका हूं। साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन बिकॉज मैकेनिकल वेव है। स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड, अगर आपकी नॉर्मल एयर है, ठीक है, वैक्यूम के अंदर से चल नहीं सकता। नेचर ऑफ द मटेरियल मीडियम चाहिए आपको, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। द टाइम गैप बिटवीन सीइंग एंड हियरिंग, कभी कभी जब आप दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे देखेंगे तो बॉम्ब जब फटता है तो आपको बहुत जल्दी दिख जाता है, बट कुछ देर बाद सुनाई देता है, बिकॉज बॉस बात ऐसे है, स्पीड ऑफ लाइट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड है मात्र 340 मीटर पर सेकेंड। कोई कंपेरिजन है ही नहीं, कोई कंपेरिजन है ही नहीं। और अगर कंपैरिजन नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? इसलिए साउंड आपके पास देर में आता है और लाइट आपके पास पहले पहुंच जाती है, ठीक है। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल इन वेव, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी आपका साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो भी बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन प्रोपोगेट करती है, वो आपकी साउंड प्रोड्यूस करती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वाइब्रेशन होना बहुत जरूरी है भाई। कुणाल कुमार, हाय सर, हेलो कुणाल, कैसे हो। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट देन द एयर लेयर्स अराउंड इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे एंड कैरी साउंड वेव, ठीक है। तो ऐसे ट्यूनिंग फोर्क, आप ट्यूरिंग फोक लेबोरेटरी में बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है, टंग करोगे तो इट प्रोड्यूसर्स साउंड कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन बनाता है। इस तरीके से साउंड प्रोपोगेट करता है, कैसे कैसे प्रोपोगेट करता है, कंप्रेशन बनाता है जहां पे प्रेशर होता है ज्यादा, रेफ्रेक्शन बनाता है जहां पे प्रेशर होता है कम, ओके। मनरेल सिंह सहरावत, हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव आपकी कहां कहां पे एग्जिस्ट कर सकती है, सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकते हैं, गैस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट अगर बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव तो खाली सॉलिड में हो सकती है, लिक्विड के सर्फेस पे हो सकती है, गैसेज में बिल्कुल नहीं हो सकती। इसे जो अब आप और हम बात कर रहे हैं, वो जो आप और हम बात कर रहे हैं वो क्या है, दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिकॉज ट्रांसवर्स वेव हवा में एग्जिस्ट नहीं करती। में आई बात, ठीक है। When sound travels through air, the molecules of the air oscillate to and fro about their mean position and the direction of propagation. Sound wave are called as longitudinal wave. हाँ, अगर ये मान लो solid की अगर हमारी बात होती तो it can be longitudinal, it can be transverse, it can be both. Okay. Sound wave can be studied in terms of pressure and density with the distance and time. Definitely loudness किसके ऊपर depend करती है, loudness आपके amplitude के ऊपर depend करती है, depends on the एम्पलीट्यूड, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस हो, याद कर लो इस बात को, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। पिच, पिच का मतलब होता है श्रिलनेस, मतलब जो कान में थोड़ा सा चुभता है। अगर बात करें एक लड़के की आवाज में और एक लड़की की आवाज में, एक लड़की की आवाज की पिच मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, उसकी श्रिलनेस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कानों में वो लगती है, जबकि लड़के की आवाज आपके कानों में
चुभती नहीं है, करेक्ट, बिकॉज उसका पिच आपका कम होता है, उसका पिच होता है कम, सुरलनेस होती है कम, चुभन होती है कम, तो सुरलनेस को ही हम पिच बोलते हैं। सुरलनेस ऑफ ए साउंड इज कॉल्ड द इट्स पिच, व्हिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, याद रख लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ साउंड सोर्स ऑब्जेक्ट हायर इज द फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा खान में चुभेगी, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। आप अपने मोबाइल में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड मिल ही जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे ऊपर भी देखना चाहें तो आपको फ्रीक्वेंसी चेंज इन फ्रीक्वेंसी साउंड मिल जाएगा, उसको सुन के देखिएगा आपके कानों में कितना लगता है। ओके, क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्वालिटी भी डिपेंड करती है आपकी वेवफॉर्म के ऊपर, वेवफॉर्म के ऊपर आपकी वेवफॉर्म कैसे, किसी भी वेवफॉर्म का साउंड हो सकता है, ठीक है। बट क्वालिटी एक पर्टिकुलर, अगर देखो यहाँ से साउंड दो तरह का हो जाता है, एक होता है नॉइस और एक हो जाता है म्यूजिक। तो होता है म्यूजिक जो आपके कानों को बहुत अच्छा लगता है, वो एक तरह का वेवफॉर्म है। एक होता है नॉइस जो आपके कानों को परेशान करता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो कॉल्ड टिम्बर, क्वालिटी ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सोर्स, करेक्ट। द मोर प्लेजेंट साउंड इज सेड ऑफ रिच क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का साउंड होगा तो कानों को अच्छा लगेगा, और बेकार क्वालिटी का साउंड होगा तो आपको बेकार लगेगा। ओके, समझ आई बात। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात कर लेते हैं, साउंड डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है। मान लीजिए अगर आप रूम में बैठे हो, आपने एको का नाम तो सुना ही होगा, नाम नहीं सुना तो एको सुना होगा। एको होता क्या है, अगर आप मान लीजिए आप पहाड़ों में जाते हैं तो आपकी आवाज आप चिल्लाते हैं, आपकी आवाज कुछ देर बाद गूंज के वापस आप तक आती है, उस गूंज को ही एको बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब एको होता है, ECHO। यहाँ पे ये है ऑब्स्टेकल साउंड, जाएगा टकराएगा वापस आएगा। अब तुम बोलोगे इसका मतलब रूम में एको नहीं हो रहा क्या, डेफिनेटली एको हो रहा है, बट तुम उस काबिल ही नहीं हो कि तुम उसको समझ सको, बिकॉज ह्यूमन ईयर क्या बोलता है, ह्यूमन ब्रेन, जब तक आपके दो साउंड के बीच में 0.1 सेकंड का डिफरेंस नहीं होगा ना, तब तक आप उस साउंड को समझ ही नहीं पाओगे। कि अब क्या होता है, आप रूम में बैठे हुए हो, आपका रूम है छोटा सा, करेक्ट, तो आप बोलते हो तो जो आपने बोला वो और जो दीवार से टकरा के आया है वो दोनों ऑलमोस्ट एक टाइम पे आपके कान तक पहुंचते हैं, बिकॉज स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से वो आप दोनों ही आपके कानों तक बड़े कंटिन्यूसली एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच जाते हैं और आप उसके बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए आप एको सुन नहीं पाते। अगर कोई पूछे कि इस रूम में एको नहीं हो रहा है क्या, एको तो हो रहा है, तुम नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। इसलिए जब डिस्टेंस थोड़ा बढ़ता है तो वहां से जो टकरा के साउंड आता है उसको वापस आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए पहले ये सुन जाता है बाद में वो सुनता है। इज इट क्लियर टू यू? और अगर मान लीजिए आप पहाड़ों में जाके कुछ चिल्लाएंगे, मान लीजिए फिजिक्स ही चिल्लाया आपने, तो आपका क्या होगा, फिजिक्स, ठीक है, तो आपको बार बार सुनाई देगा बट धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन क्या होता है? रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टिल द टाइम इट लूजेज इट्स परसिस्टेंस, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टिल द टाइम इट लूजेज इट्स परसिस्टेंस, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। प्रेमराज राव, सर एको समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा भाई, एको का मतलब सीधा टकरा के वापस आना है, कैसे टकराते हैं समझ में नहीं आया। मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस आपका मान लो डी, वेलोसिटी है वी, टाइम है टी, तो जाके वापस आने में डिस्टेंस आपका कितना ट्रेवल करोगे, 2d बाय वी, 2d डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो डी किसके बराबर हो गया, डी हो गया आपका वी टी बाय 2, राइट। अब ये निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपने को पता है 343 इंटू टाइम आपको कितना चाहिए, मिनिमम 0.1 डिवाइड बाय 2 व्हिच विल गिव यू
तो डिस्टेंस अगर आपको एको सुनाई देना चाहिए तो डिस्टेंस आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 17.2 मीटर होना चाहिए। क्या आपकी रूम की दीवारें इतनी हैं? अगर आपकी रूम की दीवारें इतनी दूर हैं तो भाई बहुत अमीर आदमी हो तुम, मजे करो लाइफ में। 17.2 मीटर दूर दीवार है आपकी, मतलब 50 फीट लंबी, विच इज बेसिकली वेरी रेयर टू फाइंड। उससे अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो डेफिनेटली आपको एको सुनाई देगा, ओके, रिवर्बरेशन सुनाई देगा, ओके, रिवर्बरेशन। देखो ये आ गया, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होते हैं? स्टेथोस्कोप, अगर आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर देखा होगा स्टेथोस्कोप जो कहाँ गले में लटकाए रहते हैं वहाँ पे यूज होता है। मेगाफोन में, लाउड हेलर में, हॉर्न्स में, ट्रम्पेट में, सहनाई में, कर्ड सीलिंग, कंसर्ट हॉल में, साउंड बोर्ड में, इन सब जगह पे वो यूज होता है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स जो यूज करते हैं, यहाँ पे आपका रिवर्बरेशन, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज होता है। तो ये थे आपके साउंड, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है। ऑडिबल वेव 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो लाई करती है। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है? अल्ट्रासोनिक वेव वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। कहाँ से ऊपर होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। इंफ्रासोनिक की अगर बात करेंगे, इंफ्रासोनिक वेव की अगर बात करेंगे, इंफ्रासोनिक वेव वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से, एक बार फिर से वापस बता देता हूँ, बहुत अच्छे समझ लो, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज का जो साउंड है, इस रेंज को बोलते हैं रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। इससे कम फ्रीक्वेंसी के साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड को बोलते हैं अल्ट्रा सोनिक साउंड। एक चीज के साथ आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुपरसोनिक क्या होते हैं। सुपरसोनिक का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। सुपरसोनिक का मतलब खाली आपकी स्पीड से है। कभी कभी ऑब्जेक्ट जो है ना साउंड की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल करते हैं। कुछ रॉकेट ऐसे होते हैं मतलब जो 340 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा ट्रेवल करें, उनको बोलते हैं सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आपकी मेडिकल एप्लीकेशंस की बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव होती हैं। दीज वेव्स हैव शॉर्टर वेवलेंथ। दीज शॉर्ट वेवलेंथ साउंड वेव कैन बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। टेस्टिंग के लिए इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, मेडिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो अल्ट्रासाउंड की बहुत सारी, अल्ट्रासाउंड तो आपने मेडिकल में बहुत कॉमनली सुना ही होगा, करेक्ट। इन अल्ट्रासोनिक स्पेक्टिकल्स ऑफ ब्लाइंड पीपल, करेक्ट, सच ए स्पेक्टिकल इज फिटेड विद अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। ये एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, तो आपको उसको पता चल जाता है कि ईयर में डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ऑब्जेक्ट इज कॉजिंग एन एको नियर और फार, उससे आपको डिस्टेंस का पता चल जाता है। यही चीज आपको सोनार में भी मिल जाती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में भी, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके। मेडिकल यूज तो बहुत सारे, एक्सरे के लिए एंड इकोकार्डियोग्राफी के लिए, डेप्थ ऑफ सी के लिए तो हम सोनार यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जैसे मैंने बताया। फिशरमैन उसको यूज करते हैं, बिकॉज जब फिशिंग करते हैं तो वो सुबह सुबह करते हैं 3 बजे 4 बजे, जब अंधेरा होता है सामने कुछ दिखता नहीं, तो वो अपने पास एक ट्रांसमीटर एंड एक रिसीवर रखते हैं जिससे एक वेव जाती है आती है, जिससे आपको पता चलता है भाई ये इतनी दूर है, ठीक है। फॉर क्लियरिंग हार्ड टू रीच प्लेसेस डेफिनेटली वहां पे यूज कर सकते हैं। ये नोट्स आपके पास मिल जाएंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वर्किंग फॉर सोनार, ये हो गया ऐसे, ये है ट्रांसमीटर, ये है रिसीवर, यहाँ से बाउंस के यहाँ पे आ गया, करेक्ट। दिस इज हाउ सोनार इज यूज्ड। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन अ नंबर 9029025225। यहाँ पे आप ओनली व्हाट्सएप, ठीक है, खाली व्हाट्सएप करो एंड यू विल बी एडेड इन द ग्रुप, यू विल बी एडेड इन द ग्रुप, तो हम आपको नोट्स भेजते रहेंगे। अगर आप घर में कैद हैं तो आपको नोट्स मिलते रहेंगे, अगर आपके बुक पासबुक है तो बुक से पढ़िए। कल हम इसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन एनीवे लेने ही वाले हैं, ठीक है। तो कल हम ये न्यूमेरिकल करेंगे, आज के लिए हम क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है, और कल की हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ है, मैंने MCQ है, सब कुछ है, तो कल हम प्रैक्टिस करेंगे विद दिस। टिल दैट टाइम हैव अ ग्रेट टाइम, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे एट होम, घर से बाहर मत निकलो, सेफ रहो, बहुत जरूरी है, ओके, कूल देन। Take care, my dear. Thank you so much.